टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी सिंपल बट वेरी डिलीशियस रेसिपी एंड हेल्दी टू. दिस इज लौकी की बर्फी और घिया की बर्फी. यू कैन ऑल्सो मेक लौकी हलवा और घिया का हलवा विद दिस रेसिपी. तो अब हम लौकी की बर्फी बनाना शुरू करेंगे. उसके लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज हेयर आई हैव टेकन 800 ग्राम्स ऑफ लौकी. यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही कच्ची लौकी ली है. आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं. ये देखिए जब आप इसमें ऐसे चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल ही कच्ची है. तो हेयर आई हैव टेकन 800 ग्राम्स ऑफ लौकी, 250 ग्राम्स ऑफ मावा और खोया. आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं 200 ग्राम्स. कार्डमम पाउडर, ये फ्रेशली ग्राउंडेड कार्डमम पाउडर है. कार्डमम एसेंस भी यूज करूंगी फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर ऑफ कार्डमम. देसी घी एंड शुगर, दिस इज अबाउट 1 फुल कप ऑफ शुगर. आप शुगर कम या ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. 1 कप ऑफ मिल्क, हेयर यू कैन सी द लेवल, 1 कप और 250 ml ऑफ मिल्क. सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर बर्फी. फॉर मेकिंग आवर बर्फी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू पील माई लौकी विद अ पीलर. मेक श्योर आप इसे वॉश जरूर कर लें क्योंकि कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट पहले वॉश कर लेना चाहिए. फ्रेंड्स आई हैव पील्ड माई लौकी एंड नाउ आई एम गोइंग टू ग्रेट इट. आई एम गोइंग टू ग्रेट इट फ्रॉम द थिक साइड. आप देख सकते हैं ये थिक साइड है क्योंकि मैं अपनी लौकी को थोड़ा थिक चाहती हूँ, उसमें बाइट चाहती हूँ एक. सो आई एम ग्रेटिंग इट. आप ये देख सकते हैं कि मैं इसका जो सेंटर पोर्शन है बीज वाला उसे ग्रेट नहीं कर रही हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका जो बीज वाला सेंटर का पोर्शन है वो नहीं ग्रेट किया है. सो मैं इसी तरह अपनी पूरी लौकी जो है वो ग्रेट कर लूंगी. फ्रेंड्स आई हैव ग्रेटेड माय लौकी. सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर लौकी की बर्फी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ ब्रॉड वेसल एंड आई विल टेक सम घी इन दिस. हेयर आई एम टेकिंग जस्ट 2 tablespoons ऑफ घी. फर्स्ट हम इसमें सबसे पहले अपनी जो लौकी है उसे भून लेंगे ताकि इससे लौकी का कच्चापन जो है वो निकल जाएगा. आप देख सकते हैं मैंने एक काफी बड़ा वेसल लिया है बिकॉज हमें इसे सुखाना है और कुक करना है. इसमें हमें दूध डालकर भी इसे सुखाना होगा तो जितना ब्रॉड ये वेसल होगा उतनी ही जल्दी ये कुक होगी. अब हम इसे 3-4 मिनट भून लेंगे ऑन हाई फ्लेम. मैंने इसमें से कोई वाटर नहीं निकाला है. अगर हम इसे निचोड़ते इसका पानी निकालते तो चीनी डालने के बाद ये लौकी श्रिंक हो जाती जो कि हम नहीं चाहते. हम इसमें सभी हेल्दी फ्लेवर्स चाहते हैं लौकी के. सो हमारी जो लौकी है वो भून चुकी है. सो नाउ वी विल ऐड आवर मिल्क. अब हम इसमें अपना 250 ml मिल्क जो है वो ऐड करेंगे. मिल्क ऐड करने के बाद हम इसे, ये देखिए हमने बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं किया है. एंड हेयर इज अ टिप फॉर यू. आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटल बिट ऑफ मलाई हेयर और क्रीम यू कैन से, बिकॉज इससे हमारी जो लौकी की बर्फी है वो काफ़ी क्रीमी बनेगी टेक्सचर में. नाउ आई एम एडिंग 1 tablespoon ऑफ क्रीम और मलाई इन दिस. फ्रेंड्स हम इसे पूरी तरह सुखा लेंगे दूध को. ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मिल्क है वो लगभग पूरी तरह रिड्यूस हो चुका है, आप देख सकते हैं. और इसमें मावा की तरह टेक्सचर आ गया है और हमारी लौकी भी गल चुकी है. हम चेक कर लेंगे, ये देखिए. तो नाउ वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ कलर. फर्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड माय शुगर टू दिस. यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर ऐड किया है और शुगर ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे. हम इसे भी अच्छी तरह सुखा लेंगे. आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्रीन कलर टू इट. हम इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं ऐड करेंगे. मैंने जस्ट 3-4 drops ऐड किए हैं. और अब हम इसका जो ये वाटर कंटेंट है इसे सुखा लेंगे. ये देखिए फ्रेंड्स हमारी हद तक का पानी जो है वो सूख चुका है और कितना अच्छा कलर आया है. हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे. अब मैं इसमें अपना मावा ऐड कर दूंगी.
अब मैं इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स कार्डमम एसेंस ऐड कर रही हूँ. सो नाउ आई एम एडिंग कार्डमम पाउडर 1/2 टीस्पून. इसको और अच्छी बाइंडिंग देने के लिए हम यहाँ पर इसमें जस्ट 20 ग्राम्स मिल्क पाउडर ऐड करेंगे. इससे हमारी बर्फी जो है वो बहुत अच्छी जमेगी. आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट आई लाइक द फ्लेवर एंड द बाइंडिंग विद द मिल्क पाउडर. ये देखिए फ्रेंड्स, सब ये बीच में इकट्ठा होने लगा है. से हम फ्लेम को स्लो कर देंगे. ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट आई लाइक इट एज इट इज. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी रेडी है. अब हम इसे एक ट्रे में जमा लेंगे. देयर आई एम ग्रीसिंग माई ट्रे विद सम घी. सो नाउ आई विल पुट माई बर्फी मटेरियल. हम इसे स्पैचुला पर घी लगाकर पूरी तरह से फ्लैट कर लेंगे और इक्वल कर लेंगे. अब मैं इसमें अपने निशान लगा लूंगी घिया के पीसेस, घिया की बर्फी के, ताकि मुझे बाद में इजी रहेगा इसे कट करना. साथ ही साथ मैं इसमें अपने आमंड्स लगा दूंगी. कि फ्रेंड्स, हमारी घिया की बर्फी जो है वो रेडी है. अब हम इसे या तो आप फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए तो ये जल्दी सेट हो जाएगी. अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो ये 1 से 2 घंटे लेगी सेट होने के लिए. सो मैं आपको इसके बाद में पीसेस कट करके दिखाऊंगी. फ्रेंड्स, आफ्टर 1 आवर हमारी बर्फी रेडी है एंड नाउ वी विल कट आर स्लाइसेस प्रॉपरली विद अ शार्प नाइफ. नाउ आई विल टेक आउट माय पीसेस 1 by 1. फ्रेंड्स, हमारी डिलीशियस लौकी की बर्फी रेडी है. सो मैंने इसके सारे पीसेस कट कर लिए हैं. आप देख सकते हैं कि ये कितनी मॉइस्ट और कितनी यमी है. एंड इवन आई हैव टेस्टेड इट. प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एंड इफ यू लाइक द रेसिपी देन प्लीज सेंड योर फीडबैक एंड शेयर दिस रेसिपी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग खाना मनपसंद. और इसकी फुल रेसिपी के लिए आप मेरे ब्लॉग खाना मनपसंद.blogspot.com पर लॉग इन कर सकते हैं. Thank you. Bye-bye. Enjoy your sweets. Bye.